क्या आईसीसी खुद नहीं चाहता कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, या आईसीसी इंडिया को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है। T20 वर्ल्ड कप सर पे है और समझ नहीं आ रहा कि 19 नवंबर से मूव ऑन करें या इस वर्ल्ड कप से उम्मीद ही ना करें। अब हर साल आईसीसी इंडिया को चने के झाड़ पे तो चढ़ा ही देता है। अरे इस दुनिया में और भी बहुत सारी चैंपियन टीम्स है, लेकिन इंडिया वहीं क्यों रहेगी हर बार जहां पे पाकिस्तान है। माना कि व्यूअरशिप बटोरने का बहुत बढ़िया मौका है, पर अब बस हो गया यार। हम फैंस को चाहिए प्रॉपर इंडिया का हार्डकोर बैटल, जहां पे एक्चुअली फील हो कि यार वर्ल्ड कप के लिए कम्पीट किया जा रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी टीम्स को छोड़ के पाकिस्तान से जीत के ही खुश हो लेते हैं। और इस बार तो माशाल्लाह ग्रुप भी ऐसे हैं कि मतलब गधे को बाप बना के पाकिस्तान को भी अच्छी टीम बोलना पड़ रहा है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाकी तो जो तीन टीम्स है वो तो इस साल वर्ल्ड कप खेल के ही खुश है। आप खुद देखो, इंडिया के ग्रुप में यूएसए, कनाडा, आयरलैंड और आईसीसी की फेवरेट पाकिस्तान है। एंड द ओनली गुड थिंग जो इस वर्ल्ड कप में हो रही है वो है यूएसए, कनाडा जैसे बहुत से एसोसिएट नेशंस को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा खेलने का, क्योंकि अगर ये लोग हारते भी हैं तो दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहे हैं। अब इस ग्रुप में कम्पीट करके टॉप टू में तो फिनिश कर ही लेंगे, फिर सुपर एट में ना जाने कौन कौन सी टीम पल्ले पड़ जाए ये भी नहीं पता। और इस ग्रुप का मोमेंटम ना यार अरमान जगा देता है। अब ऑस्ट्रेलिया आएगी इंग्लैंड से खेल के, वहीं पे न्यूजीलैंड आएगी अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज जैसी टीम से भिड़ के, और साउथ अफ्रीका भी बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ तो खेलेगा ही। मेरे को तो लगता है साउथ अफ्रीका तो नीदरलैंड के खौफ में ज्यादा जी रहा है। अगर हम एक्चुअल डिटेल्स में जाए तो थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया के ग्रुप में दो बड़ी टीम थी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, और इंडिया दोनों से ही हार गया था। क्वालिफाई तो छोड़ो, हमारा ग्रुप स्टेज तक क्लियर नहीं हुआ था। और वहीं पे जब 2022 की बात आई तो आईसीसी को लगा न्यूजीलैंड को तो हम यार वैसे भी कभी T20 वर्ल्ड कप में हरा ही नहीं पाते। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तो साउथ अफ्रीका से स्विच कर लेते हैं। और हम सबको पता है कि उस वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान से किस तरीके से जीते हैं, और साउथ अफ्रीका से तो हम जीते भी नहीं। और फिर जब एक्चुअली में कंपटीशन आया सेमीफाइनल का तो 10 विकेट से हार गए हम लोग। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल कंपटीशन को तो टेस्ट भी नहीं किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि सो कॉल्ड बड़ी राइवलरी को जीत के ही बस मन को खुश कर लिया जाता है और ऑडियंस को मैनिपुलेट भी कर लिया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे लेकिन वर्ल्ड कप में उसी ग्रुप में होना है जिसमें पाकिस्तान है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। पर हम फैंस हर उस बेस्ट टीम से लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और उस अल्टीमेट टाइटल के लिए ना कंपीट करना चाहते हैं। फिर भले ही हम टाइटल जीते या ना जीते, पर वर्ल्ड्स बेस्ट होने का प्राइड बहुत है हमारे लिए। हम भले ही 2023 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए लेकिन दुनिया की हर टीम को हमने उस कंपटीशन में हराया है, और यही सेम चीज हम इस वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट आर टीम इंडिया टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड कप एंड प्ले लाइक रियल चैंपियंस। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो #YICC कमेंट्स में छोड़ते जाइए। और आपको क्या लगता है कि इंडिया का सफर इस वर्ल्ड कप में कहां तक जाएगा? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन।